हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोनमित छपाना। ये हमारा स्विच वर्ड्स बेसिक कोर्स का सिक्स्थ वीडियो है। इससे पहले मैं आपको स्विच वर्ड्स के नोट्स दे चुकी हूं, पीडीएफ्स दे चुकी हूं और वो आपने उसका कॉपी निकाल लिया होगा। जब भी आप ये वीडियो देखें तो कोशिश किया करिए कि नोट्स आपके सामने हों, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक, इस सिक्स टॉपिक में हम क्या लेने वाले हैं, मैं आपको कुछ अलग से चुनिंदा वर्ड्स, स्विच वर्ड्स अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए बताऊंगी कि उनको किन किन वर्ड्स को हमें यूज़ करना चाहिए पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के लिए। जैसे कि कह लीजिए आज हम वेल्थ के बारे में बात करेंगे, मनी के बारे में बात करेंगे। मनी हर किसी की ज़रूरत है, मनी कभी ब्लॉक है, मनी कभी कम है, मनी कभी जो है लोन लेना है और ज़्यादा की ज़रूरत है, कुछ बड़ी चीज़ खरीदने के लिए हमें मनी की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कार लेने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। किसी ने पैसा ले लिया है, वो वापस नहीं कर रहा, किसी ने पैसा मांगा है, उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या किसी ऑफिस में कहीं पे आप काम करते हैं तो आपको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के वेल्थ के लिए, मनी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए गुणा भाग, सब्ट्रैक्शन एडिशन, किसी भी चीज़ के लिए कौन से स्विच वर्ड्स का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक, चलिए चलिए हम बताते हैं। सबसे जो मेन हमारा मनी के लिए स्विच वर्ड होता है, बहुत कॉमन है, सबको मालूम है, ऐड, ADD, ऐड। आप मनी मत भी बोलिए, सिर्फ ऐड बोलिए एंड जस्ट थिंक अबाउट मनी। आप थिंक करिए, सोचिए, महसूस करिए कि पैसे गिर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ जो है पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आधारित है। आपने किया ऐड, ऐड एक है टू फाइंड परसेंटेज, टू गेट व्हाट यू वांट, मनी, मनी से रिलेटेड। आप ऐड लिख कर आप उसके सामने अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं और डेट भी लिख सकते हैं कि ये अमाउंट हमें चाहिए, इस डेट तक चाहिए, एंड देन चैंट चैंट दिस स्विच वर्ड ऐड अबंडेंटली। देखिए, कभी भी गिन के आप करेंगे तो फिर गिन के ही चीजें होंगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसलिए ऐड एक ऐसा वर्ड है जिस भी चीज पे, अदरवाइज भी आपको जिस भी चीज को ऐड ऑन करना है उसके ऊपर ऐड लिख दीजिए कैपिटल लेटर्स में। कोई भी लेटर आपस में मिलना नहीं चाहिए। अपने मनी बॉक्स पे, अपने सेफ पे, अपने किसी भी चीज पे, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसके वहां पे लेजर है, आपका लेजर है, उस पे लिख सकते हैं। ये जो आपको मनी रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, अब जो चीज़ें वर्ड्स बताने जा रही हूँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, ये आप अपनी चीज़ों पे भी लिख सकते हैं, अपने लेजर पे, अपने पासबुक पे, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, एक है आपका ऐड वर्ड। देन कम्स काउंट। काउंट बोलते ही बच्चा बच्चा भी जान जाएगा काउंट क्या। काउंट मीन्स मोस्टली सब मनी को लेके ही काउंट करते हैं। फाइंड, फाइंड भी आप फाइंड और भी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मनी की बात हो रही है तो यस, अगर आपने कहीं पे पैसे रख दिए हैं आपको वो मिल जाएंगे। किसी ने आपसे लिए हैं वापस नहीं कर रहा, तब आप फाइंड कर सकते हैं। लोन चाहिए तो उस केस में तो फाइंड वर्ड बहुत बढ़िया चलेगा। देन रिडिकुलस मीन्स कि आप उसको बचाना चाहते हैं, अगर आप उनको पैसे को सेव करना चाहते हैं तो आपको रिडिकुलस वर्ड, बहुत कॉमन नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं, पर मैं तो आपको कहूंगी कि इजी वर्ड होना चाहिए, छोटा वर्ड होना चाहिए जितना, क्योंकि ये आपका बेसिक कोर्स है तो इसलिए मैं वन वन वर्ड ही आपको बता रही हूँ। बीच बीच में मैंने कुछ फ्रेजेस भी बताए हैं आपको ताकि आपको थोड़ा सा और पता चले, लेकिन अगर आप एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें प्रॉपर कैसे फॉर्म करना होता है वो मैं आपको बताऊंगी। फाइन, ओके। नाउ स्कीम, स्कीम मीन्स टू डिजाइन, स्कीम मीन्स टू डिजाइन।
स्कीम मींस अब प्लानिंग जो करते हैं ना, पैसे यहां से ले लेते हैं, फिर ऐसे लगा देते हैं, फिर इसका ये परसेंटेज है, ये चीज हमने इतने में खरीदी, इसको इतने में बेचेंगे. स्कीम स्कीम बनाना, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. देन कम वेस्ट. वेस्ट मतलब टू अपियर रिच. आपके पास पैसा है लेकिन आप उतना पैसा नहीं है जो कि आपको शान और शौकत दिखाना है. आपको कई होता है ना, शो ऑफ करना होता है. उस केस में भी कि कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है ऐसा लोगों को लगे, तो यू कैन डू वेस्ट. ओके, तो ये हमारा वेस्ट से रिलेटेड है, सॉरी मनी से रिलेटेड है. इसमें आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, इसमें आप प्रमोट भी लिख सकते हैं. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक कस्टमाइज्ड होते हैं. तो कस्टमाइज्ड कैसे करेंगे? देखिए, हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है. कोई साउथ इंडियन है, कोई गुजराती है, कोई अमेरिकन है, कोई अलग अलग थ्रू आउट वर्ल्ड की बात कर रही हूं मैं, तो कितनी लैंग्वेजेस हैं. अब हर लैंग्वेज में हर चीज के लिए एक शब्द होता है जो वो उनका तकिया कलाम होता है, या वो शब्द पर्टिकुलरली उस चीज के लिए यूज करते हैं. आप उसको अपना कस्टमाइज्ड स्विच वर्ड बना सकते हैं और उसको एज अ कस्टमाइज्ड स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कई लोग कहते हैं गिनना, है ना, तो ठीक है, गिनना भी उनके लिए एक स्विच वर्ड हो जाएगा. प्लस 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 भी आपको एडिशन नहीं करेगा. जो लोग वर्ड प्लस यूज करते हैं, दे कैन यूज दिस प्लस वर्ड ऑल्सो. यू कैन यूज दैट सिंबल ऑल्सो. प्लस का सिंबल भी और से कर सकते हैं. इवन मल्टीप्लाई का भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं. आप अपना जो स्विच वर्ड्स का एनर्जी सर्कल बनाते हैं उसके अंदर जब आप लिखेंगे एड काउंट और फिर उसमें नंबर लिखना है कितना, तो आप नंबर लिख के उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 11, वट एवर. ये तो जस्ट आई एम टेलिंग यू. तो वो होते हैं आपके कस्टमाइज्ड. फाइन. अब कई लोगों के जैसे होता है कि क्लासिक क्लासिक इज अ स्विच वर्ड, कि आप लोगों के सामने बहुत रिच रॉयल नजर आने चाहते. रॉयल रॉयल यू कैन यूज इट एज अ रिच स्विच वर्ड विच विल शो दैट यू आर हैविंग लॉट ऑफ मनी. एंड ऑब्वियसली वो रॉयल ऑटोमेटिकली आप होते चले जाएंगे. किसी से मैंने पूछा था, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, तो मैंने कहा आप क्या सोचते हैं, मनी सामने है तो क्या मनी स्पेंड, आप स्पेंड करेंगे तो आपका एक भी पैसा नहीं बचेगा. अगर आप आपके हाथ में पैसा आया, अब आप पैसे को हाथ में लेके आप ये सोच रहे हैं अरे ये खर्चा कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये खरीद लूं, ये कर लूं, तो वो स्पेंड हो जाएगा सारा का सारा. अगर आप उसको ये सोचेंगे इसको ऐड कर लूं, इसको मल्टीप्लाई कर लूं, इसको प्रमोट कर लूं, तो वो फिर वो होगा. नो, इट डिपेंड्स ऑन यू. क्योंकि चीजें जो होती हैं, इवन पैसा भी आपके हाथ में आते ही आपकी वाइब्स लेता है, आपकी एनर्जी लेता है. ठीक है. तो ये था हमारा मनी से रिलेटेड. नेक्स्ट हम कहते हैं हेल्थ पे चलते हैं. ठीक है. हेल्थ से रिलेटेड भी हमारे जो हैं कुछ वर्ड्स हैं, और कुछ वर्ड्स नहीं हैं तो बहुत सारी जो कि आप कस्टमाइज बना सकते हैं. यहां मैं आपको कुछ बता रही हूँ जो कि बेसिक कोर्स में आते हैं आपके. एक है अलोन. अलोन मीन्स जब आप फोन लोनलीनेस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अकेले हैं, यू चैंट अलोन. अलोन होते हैं तो होता ना एक डिप्रेशन, एक लो लाइफ. जैसे ही आप अलोन चैंट करेंगे, डिवाइन को पता चल जाएगा अरे ये अलोन है, विल गिव यू हैप्पीनेस. नेक्स्ट बी. बी हमने पहले भी किया, बी अ गुड गर्ल. बी बी मीन्स टू बी इन गुड थिंग. गुड गर्ल, गुड मनी, गुड हेल्थ. बी योर सेल्फ. बी कंप्लीट मतलब सब कुछ है आपके पास, हेल्थ, वेल्थ, लव, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, ब्लिस, एवरीथिंग. बी आप हैप्पी हैं तो आप हेल्दी हैं. ठीक है. ओके. नाउ चेंज. किसी को कोई भी किसी भी तरह सर दर्द हो जाए, इस उंगली में दर्द हो जाए, देन ऑल्सो यू जस्ट स्टार्ट चैंटिंग चेंज चेंज. यू कैन यूज दिस वर्ड इन डेली लाइफ. चेंज चेंज. जब आपको मैनिफेस्ट अपने इमेजिनेशन पे करना है. कल मेरे को किसी ने कहा इमेजिनेशन नहीं होता, कोई बात नहीं, पहले
फिर भी उस चीज के बारे में सोच के चेंज कर, चेंज 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 करिए। अब इमेजिनेशन नहीं होता ये तो फिर आपको करना पड़ेगा ना, ये मैं नहीं सिखा सकती कि इमेजिन कैसे करना है, ये हर किसी के अपने अंदर का हुनर होता है। और मैं आपको एक बता दूं, एक पर्सन अगर इमेजिन नहीं कर सकता तो उसको हीलर बनने में वक्त लगेगा, क्योंकि आपको पहले इमेजिन ही करना है तभी चीजें वर्क करेंगी फास्ट। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते, कोल्ड रहेंगे, तो आपको वक्त लगेगा। और इमेजिन करना कोई हीलर नहीं सिखा सकता, एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्विच वर्स कोर्स, नॉट एट ऑल। आई कैन टीच यू हाउ टू इमेजिन, वो आपको खुद करना है। सपने देखना शुरू करिए। नेक्स्ट, क्लियर? कहीं पे कोई ब्लॉकेज आ गई है, कोई सिस्ट आ गई है, कोई फाइब्रॉइड हो गया है, कोई गांठ पड़ गई है, क्लियर? सिर्फ क्लियर 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 करते जाइए, उस जगह को सोच के चीज ठीक हो जाएगी। पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, आराम मिलेगा। देखिए, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, आप जो डेस्टिनी में है वो तो भोगना पड़ता है, बट ये है अगर खराब है तो उसका दर्द कम हो जाता है। देन कम्स डक। मैंने आपको पहले भी बताया था, डक जो हाइपर सेंसिटिविटी, कई लोग होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं और स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, डक वर्ड इज फॉर देम। गार्ड, आपके बॉडी को गार्ड करेगा, आपके घर को गार्ड करेगा, आपकी चीजों को गार्ड करेगा। गार्ड मीन्स जो आपको कंप्लीटली गार्ड करेगा। बीमारी से हम यहाँ पे हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो हम गार्ड लिख के इसी में क्या बीमारी है वो भी लिख सकते हैं, गार्ड कंप्लीट हेल्थ भी कर सकते हैं, गार्ड और जो भी आपको तकलीफ है क्योर कर सकते हैं। नाउ डन, राइट? या अपना नाम लिख के भी आप कर सकते हैं। देन हो तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। हो, जब आपको किसी भी, आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, बाहर से होकर आया, कोल्ड हो रहा है, आपको एक ये है कि कहीं आपके हाथ तो गंदे नहीं है, कहीं जर्म्स तो नहीं है, एक होता है ना बहुत सारे लोग हैं उनको कोल्ड है, उनमें से आप उठ के आए तो आपको एक फोबिया कि ओ मैं तो कोल्ड में, कोल्ड हो रहा था लोगों को, मैं उसमें से आया हूँ, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए या मुझे कोल्ड ना हो जाए। हो, स्टार्ट चैंटिंग दैट। देन कम्स लर्न टू से स्टे यंग एंड टू लुक यंग इमिजिएटली। आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि वीक हो रहे हैं, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, स्टार्ट चैंटिंग लर्न सेव, स्टॉप ड्रिंकिंग। कोई भी आपको एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन है, स्टार्ट सेव सेव, अपने आप को सेव करना है आपको, तो उससे आप जो है एडिक्शन से बचेंगे। देन स्विवल स्विवल टू रिलीव बॉडी इररिक्वालिटीज। आपकी बॉडी के अंदर कभी किसी को डायरिया हो गया है, कभी किसी की आंखों से पानी आने शुरू हो गया है, तो स्विवल मीन्स इट विल बैलेंस एवरीथिंग। देन कम्स पोस्टपोन टू प्रिवेंट पाउटिंग स्ट्रीक, ताकि आपको आगे कोई जो तकलीफ आपको लग रहा हो सकती है वो ना हो। पोस्टपोन मीन्स ओवर, आप ट्रैवलिंग पर चले गए और आपको लग रहा है कि भाई मेरे ऐसी तकलीफ हो जाएगी, वैसे तकलीफ हो जाएगी, एक फियर है, एक फोबिया है। देखिए, किसी भी चीज कोई भी आपको अगर हेल्थ में इफेक्ट आ रहा है वो आपके एक दिमाग में होता है ना, आप उसको डिजाइन कर लेते हैं तभी होता है, तो उसको अगर आप पोस्टपोन कर देंगे तो वो पोस्टपोन हो जाएगा, आगे आगे चलता जाएगा, फिर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये थी हमारी वेल्थ एंड हेल्थ के ऊपर कुछ स्विच वर्ड्स, जिसको कि आप एनर्जी सर्कल भी बना सकते हैं, जिसका कि पानी भी चार्ज करके पी सकते हैं, जिसको कि अपनी बॉडी पे भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं स्विच वर्ड्स को यूज करने के, बट वो सब एडवांस कोर्स में सिखाया जाता है। पहले ABCD सीख लीजिए, फिर अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहेंगे तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है? और अभी के लिए आगे दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।